Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Niyazi Stitching and Painting. तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा सीनरी बोर्ड पेंटिंग का थर्ड पार्ट आ चुका है. तो ट्री को बनाने के लिए हमने पहले वाइट कलर यूज़ किया है, फिर डार्क ग्रीन कलर यूज़ किया, फिर लेमन येलो कलर. बस इसी मेथड से हमने सारे ट्री को रेडी कर लिए हैं. अब हमें स्टोन बनाना है. तो स्टोन को बनाने के लिए मैंने पहले वाइट कलर फिल कर दिया है. अब फिर उस पर ब्लैक कलर से हम लाइनिंग डाल देंगे. अब ये ब्लैक एंड वाइट कलर को हमने इस तरह से मिक्स करना है कि इसका शेप हमें पता चले कि यहाँ पर बहुत सारा स्टोन रखा है. ये स्टोन बन गया. अब आते हैं मून पे.
तो मून को बनाने के लिए हमने वाइट कलर में बिल्कुल थोड़ा सा गोल्डन येलो कलर मिक्स करके मून को कलर किया है। तो ये मून भी रेडी हो चुका है। अब आते हैं फ्लावर पे। तो ये हमने बोट में फ्लावर बनाना है। फ्लावर बनाने के लिए पहले हम वाइट कलर से हिंट्स ले लेते हैं। जब तक ये हमारा वाइट कलर सूख रहा है तब तक हम ग्रास बना लेते हैं। तो ग्रास को बनाने के लिए मैंने वाइट कलर में थोड़ा सा लेमन येलो कलर और ग्रीन कलर मिक्स किया है। अब फ्लावर बनाने के लिए आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं, लाइक पर्पल, येलो, रेड, पिंक, ब्लू एट्सेट्रा। बस ग्रीन कलर आपको फ्लावर में यूज़ नहीं करना है। ये तीन लीफ जो आपको साइड में नज़र आ रहा है उस पर आप ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे तो वो आपका लीफ हो जाएगा। फिर सारे फ्लावर के सेंटर पे आपने एक गोल्डन येलो कलर से डॉट दे देना है और आपके फ्लावर के बीच में एक येलो कलर का फ्लावर भी होना चाहिए। वो येलो कलर बहुत अच्छा लुक देता है। सो फाइनली हमारे सीनरी बोर्ड पेंटिंग का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। और आपको कैसा लगा मेरा ये बोर्ड पेंटिंग, मेरे वीडियो का सारा पार्ट कमेंट में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, टेक केयर, थैंक यू।